देखा पनीर एकदम से मस्त वाला बन गया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो दोस्तों कल के लिए सॉरी कि कल मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा बिजी था। देख ही रहोगे आप, मेरा शिफ्टिंग वाला काम चल रहा है यहाँ पे। तो आज भी यहीं पर है, सोचा आज ब्लॉग बना लेते हैं यहाँ पर, यहाँ का एक लास्ट ब्लॉग बनाते हैं। सो आज का जो काम हो रहा है हमारा यहाँ पर, ये AC भी खुलवाना है। तो AC खुलवाने के लिए मिस्त्री आए हैं भाई, ये खुलेंगे AC, और बाहर इसका जो पंखा है उसको भी खुलवाना है, और सारा काम है, और दो तीन शीशे भी उतारने की कोशिश करेंगे। अगर उतरेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे इसको। थोड़ी देर में शीशे वाले देखने वाले भी आएंगे, अगर नहीं खुले तो फिर बर्बाद। तो देखते हैं क्या होता है, आज इसका ही काम होने वाला है, दिखाते हैं आपसे पूरा प्रोसेसर इसका। ओके। तो ये है मिस्त्री यहाँ पे, अभी इनने AC को ऑन किया है। इसका भी कोई सिस्टम होता होगा, तो कह रहे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद इसको खोलेंगे ये। भाई खतरनाक काम है, काफ़ी हैवी होता है ये, देखते हैं कैसे निकालते इसको। ये तो जहर आदमी है, पाड़ दिया एक ही बार में। तो हो गया इनका काम ख़त्म, इनका लेन देन करके जाएंगे घर, और इसके बाद आने वाले शीशे को उतारने वाले, उनसे उतरते कि नहीं वो देखते हैं। यहाँ पर देख लो एक बोर्ड भी निकाल दिया है, और एक तो घर उधर बाहर लगा ही हुआ है अभी बड़ा सा, जो बहुत बड़ा है, इसको छोड़ देंगे यहीं पर। गाइस अभी हम तो आ गए घर, काफ़ी इंतज़ार किया शीशे वाले का लेकिन आया ही कोई नहीं, तो शायद लंच के बाद आएंगे। तो अभी घर आ गए हैं, तब तक कुछ लंच का प्रिपरेशन करते हैं, और साथ में कुछ स्पेशल बन रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं आपसे। तो ये है गाइस आज का स्पेशल, दूध देख रहे होंगे आप, पतीले में पूरा दूध भर लिया है। तो इसका बनने वाला दोस्तों पनीर, होममेड पनीर ये बना रही है, वैसे ये कारीगर है। से हेलो हेलो तो ये है कारीगर पनीर की, देखो पनीर बन रहा है। मुझे तो नहीं आता ढंग से बनाना, और ये विनीगर देखो यहाँ पे। वैसे पनीर बनाने की पहल तो शुरू मैंने ही की थी, लेकिन सक्सेसफुल तो ये हो पाई। तो आज बनेगा पनीर, दिखाएंगे आपसे कैसे होता है हमारा होममेड पनीर। गाइस ये 2 लीटर दूध है, तो 2 लीटर दूध में नॉर्मली कितना पनीर बनता है, जो कोई भी पनीर बना चुका है, जिसको पनीर बनाना आता है तो हमें बताए, क्योंकि जब हम पनीर बनाते हैं तो 2 लीटर दूध में हमारे सिर्फ 300 ग्राम पनीर बनता है, जब अच्छा बनता है तो 300 ग्राम, नहीं तो 250 कुछ, इतना ही पनीर बनता है सिर्फ। तो आप हमें ज़रूर बताए कि 2 लीटर दूध में कितना पनीर बनना चाहिए। तो देखो पनीर दूध उबल गया है, अब इसमें डाल रहे हैं विनीगर, डाल दिया विनीगर, ये बन गया पनीर।
ओए जाए है नहीं। तो 1 से 10 के स्कोर में आप कितने नंबर दोगे मेरी वाइफ को पनीर बनाने के मामले में? देखो दूध फट गया, बढ़िया से पनीर तैयार हो गया है, अब इसको सिर्फ निकालना है। ना ओपोजिट साइड वो ये देख लो पनीर। देखा पनीर एकदम से मस्त वाला बन गया है, लिया है और यहाँ पर रख लिया है। इसके ऊपर इसको लगा लेते हैं ताकि पनीर सेट हो जाए। तो ये है हमारा पनीर बनाने का स्टाइल। सो गाइज ये देखो पनीर बन गया है, रेडी है बनके। तो और अभी अभी देखा तो यहाँ पर देखो गंदी हो गई है मेरी टी शर्ट, एसी को खुलवाते टाइम मैली हो गई है। कोई बात नहीं, काम करते हैं तो भाई सब कुछ होता है। सो गाइज कुछ खास इस तरह से है कि जो हमारा सामान है आज ही हम दूसरी जगह पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं यहाँ से। तो आज हमारे को ट्रक मिल गया है ले जाने के लिए। तो अभी सारा सामान नीचे ढोना है, ये सारा सामान कुछ ऑलरेडी हमने नीचे ढो लिया है, तो कुछ और है अभी। और कुछ एक चीज़ें ऐसी जो बड़ी बड़ी है, ये रिसेप्शन देख लो। तो इसके लिए मैंने अपने हिंदुस्तानी भाइयों को बुलाया है, थोड़ी देर में आएंगे वो, तो सारे मिलके नीचे ले जाएंगे। तो अपनों की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों, अपना अपना बंदा ही काम आता है। तो ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों एंड तक। अभी आधा सामान तो हमारा चला गया है, ट्रक छोटा सा था तो दोबारा दूसरा चक्कर लगेगा, तो बाकी का सामान भी ले जाएंगे। अभी दो चक्कर में भी पूरा नहीं होगा ये, फिर कुछ देखेंगे बाद में ले जाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा ट्रक, जाने के लिए तैयार। ये देखो हमारे दो हिंदुस्तानी भाई। हेलो। तो ये दोनों ना होते तो आज काम आधा आधा अधूरा रह जाता, इनकी वजह से काम संपूर्ण हुआ। तो ये है रजनीश जी और ये है विक्रम जी, ये भी योगा छोड़ के आजकल ही यूट्यूबर बन रहे हैं क्योंकि काम तो है नहीं। तो आप सब भी यूट्यूबर बनेगा, तो आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल का भी हम लिंक दे देंगे आपको, तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो अभी कंटिन्यू बने रहना है, आगे बहुत कुछ होना है ब्लॉग में। सो गाइज फाइनली सामान डेस्टिनेशन में पहुंच गया है, ये देख रहे हैं सारा सामान, रिसेप्शन वगैरह, ये बड़े बड़े बॉक्स, मैट, व्हील, बॉल वगैरह के अभी फर्स्ट फ्लोर पे रखा है, सिर्फ ऊपर ले जाना पड़ेगा यूज़ वाला सामान योगा हॉल पे। तो यही आज की कड़ी मशक्क़त थी। और हमारे साथ अभी के लिए तो ये देखो राकेश जी भी बन गए हैं आप लोग। तो राकेश जी थोड़े से भैया का हेल्प के लिए, हाँ राकेश जी को भी अभी कड़ी मशक्क़त करनी है सामान को ऊपर उठवाने में, पसीने तो देख रहे हो कैसे निकल रहे हैं। तो करते हैं काम को फिनिश और फिर चलेंगे घर की ओर। फाइनली गाइस सारा काम ख़त्म करने के बाद घर पहुंच चुका हूं। तो आज थक के बहुत ही बुरा हाल है। तो आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, जो भी मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत छोड़ना वीडियो को। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।